पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एमसीडी चुनाव में विश्वास नगर वार्ड नंबर 207 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति रानी चुनाव मैदान में हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी तथा आम आदमी पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी सुभाष लाला की धर्मपत्नी हैं। बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा है। महिलाओं की भी खासी भीड़ इनकी जनसभाओं व डोर टू डोर कैंपेनिंग में देखने को मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इनके पक्ष में मतदान करने की अपील करने जनता के बीच पहुंचे। बड़ी गर्मजोशी के साथ क्षेत्र के लोगों ने मनीष सिसोदिया का स्वागत किया। ढोल ताशों के बीच सिसोदिया रोड पर पैदल चलते देखे गए। प्रत्याशी ने तो अपनी ताकत झोंक दी। अब फैसला वोटर्स के हाथ में है, जो कि 7 दिसंबर को मालूम होगा। मैं राजबाला सिंह, विश्वास नगर वार्ड 207 महिला विंग की वार्ड अध्यक्ष बोल रही हूँ। और आज मैं ज्योति रानी जी, विश्वास नगर वार्ड की प्रत्याशी, उनके लिए वोट अपील करने के लिए आई हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि उनके हस्बैंड और ज्योति रानी जी ने 5 साल में जो जो काम किए हैं और जो लोगों की उन्होंने मदद की है विश्वास नगर वार्ड में, और कोरोना टाइम में भी जिस तरीके से उन्होंने घर घर जाके लोगों की मदद की है, वो आपसे छुपा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ज्योति रानी जी को आप भारी मतों से जिताएं, ताकि वो जीत के आएँ और हमारे विश्वास नगर में जो भी कूड़े के ढेर और भ्रष्टाचार बीजेपी वालों ने फैलाया हुआ है, उसको दूर करने में हमारी वो मदद करें। और ज्योति रानी जी का भी ये कहना है कि अगर मैं जीत के आई तो मेरे पास किसी को नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद उनके पास चल के उनके काम करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भारी मतों से ज्योति रानी जी को जिताएँ। धन्यवाद।